और चलिए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर गृहमंत्री इस वक्त कह रहे हैं उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया, एक साल लगभग लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, याना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है, मसूदी साहब हाईकोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आ गया, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपरत किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है, सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी, मगर कहीं पर भी ये कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता, इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाएं, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाएं। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया, मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70-80-100 वकील एडवोकेट खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है, ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा, मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इसे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है, उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा।
और कह रहे हैं कि स्टे टूट देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए, जरा एग्मूट केडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है, जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट केडर के अंडर में है, जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमुट केडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर केडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया केडर है मान्यवर, और वो इसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? कहीं का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया।